जीत चुके हैं ट्रॉफी जो है वो डोंगरी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो बंदे को पहले से कॉन्फिडेंस था कि जीत जाऊंगा मैं, उसने कर दिखाया। लेकिन अरुण की भी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी। देखो अरुण जी, मैंने पहले बोला था जीते ना जीते, लेकिन करोड़ों लोगों का दिल जीत चुका था पहले ही वो। लेकिन अंकिता टॉप टू में नहीं आई, ये शॉकिंग लगा। ये बड़ा एक बड़ा दिमाग। हाँ राइट, नॉर्थ और साउथ को एक कर दिया। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। एक मिनट, ये कब कोई मायने नहीं रखता, रखता हूँ। लेकिन जो भाईचारा है अरुण जो है ना, बड़े भाई हैं। हाँ पहचानते आप अरुण? कैसे स्वागत करने वाले अरुण का? बैंड बाजे के साथ हाई प्रोफाइल स्वागत होगा दिल्ली शहर के अंदर। नहीं, मुनव्वर के चाहने वाले बहुत तगड़ी है। मुनव्वर को खुद को कॉन्फिडेंस था कि बाहर मेरा मैटर बड़ा तगड़ा है। सबसे बड़ी बात, मुनव्वर की इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग दो गुना बढ़ गई बिग बॉस जाने के बाद। 50 लाख फॉलोवर बड़े बंदे के मेहनत के साथ 50 लाख, जिसके आज तक किसी के नहीं बढ़े इतने फॉलोवर्स। मुनव्वर को ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, बड़े थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो क्या कहना चाहेंगी? तहलका भाई ने, चलो दोनों जने अंदर थे, दोनों ने सही करा। जब आज अरुण भाई अगर वहाँ पहुँचे हुए हैं तो तहलका भाई ने भी पीछे बहुत काम करा है। हम दिन रात काम कर रहे थे, आपने देखी होंगी वीडियोस, हम सबकी वीडियोस जली हुई हैं, रैलीज निकल रही हैं, लंगर लग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो दोनों साइड से ही काम आया। अगर अरुण भाई वहाँ थे तो सनी भाई ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी उनके लिए। लेकिन अब जब ये न्यूज़ बाहर आ रही है कि अरुण जो है वो इविक्ट हो चुके हैं और फिनाले में पहुंचने के बावजूद विनर की रेस से बाहर हो चुके हैं, तो ये कितना डिसहार्टनिंग है आपके लिए? क्योंकि थोड़ा तो है, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत करी थी, हम चाहते थे कि अरुण भाई हो, बट ठीक है टॉप 5 में आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। आज अरुण भैया की फैमिली वहाँ खड़ी है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। सनी भैया होते तो हम भी होते अंदर, बट ठीक है आज दीपिका और सनी भैया दोनों हैं अंदर, वो भी मतलब वो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बाकी यार अरुण भाई पहुंच गए, उनकी मदर पहुंच गई, वाइफ पहुंच गई, बच्चा पहुंच गया, और क्या रह गया, तो विनर ही हैं वो, विनर। सो जैसे भी अगर वो विनर होकर, बड़ी बात भाई, छोटे हो या बड़े हो, सनी आर्या जी और दीपिका भाभी इतना सपोर्ट, हम तो आ जाए, लेकिन वो दोनों वाइफ एंड हस्बैंड एक महीने से जो मेहनत कर रहे हैं शायद ही कोई कर सकता। हम खुद बॉम्बे में 5 दिन से हैं, हम 5 दिन हो गए हमें बॉम्बे में, हम 5 दिन से हैं बॉम्बे में और 5 दिन से चल रहा है। सनी भैया कभी हाँ कभी वहाँ, परसों हम सिद्धि विनायक गए थे, सिद्धि विनायक में भी हमने काफी। लेकिन अरुण के वेलकम की किस तरीके से तैयारियाँ की? वो तो तहलका मचने वाला है, आप टेंशन मत लो। अरुण भाई के लिए जो सनी भाई ने किया हुआ है ना, वो तहलका मचने वाला है। आने दो दोनों को बाहर और देखो क्या होता है। पार्टी यहाँ मुंबई में करने का इरादा है या फिर दिल्ली में? अभी तो दोनों पहले बाहर आएंगे, दोनों ही डिसाइड करेंगे। हैदराबाद भी जाना है परसों, हैदराबाद भी 2 दिन बाद हैदराबाद भी है हमारा, तो देखो कहाँ होती है। यहाँ भी होएगी, हैदराबाद भी होएगी, दिल्ली भी होएगी। ऐसा नहीं है दिल्ली रह जाएगी, दिल्ली भी पार्टी होएगी। क्या लगता है कौन हो सकता है इस सीजन का विनर, और क्या लगता है कौन ट्रॉफी लेके जाएगा? अब तो मैम आधा एक घंटा और रुक जाओ। पर आपके हिसाब से क्या लगता है? अभिषेक डिजर्विंग लगता है मुझे, अभिषेक ने मेहनत भी करी है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है जो जिस पॉइंट पे एविक्ट हुआ था, जिस पॉइंट पे उसको निकाला गया और वापस लाया गया, तो कुछ तो है बात बंदे में जो आया, तो ठीक है डिजर्विंग है, पहुंचा है वहाँ पे, सब डिजर्विंग है, बट विनर तो ऑब्वियसली बात है एक ही होगा। मुनव्वर के का आज बर्थडे भी है, लगता है मुनव्वर को गिफ्ट के तौर पर ये ट्रॉफी जो है वो दे दी जाएगी और मुनव्वर ट्रॉफी लेकर जाएगी। किस्मत कुछ भी हो सकती है ना, तो इस पर कोई कमेंट नहीं है, बट हाँ वो जीतेंगे तो भी अच्छी बात है, वो भी डिजर्विंग है, ऐसी बात नहीं है। उनके बेटे की काफ़ी वीडियोस आ रही हैं कि पापा को सपोर्ट करो, तो हर किसी की फैमिली है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो भी जीतेंगे तो हमारे लिए तो वो भी अच्छी है। उनके बच्चे भी कितने खुश होंगे, ये देखो ना उनकी भी फैमिली है, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।